नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। की सबसे बड़ा दुश्मन यह एक औरत है जो आपके पड़ोस की है, तथा आज बालाजी बागेश्वर धाम के पर्चे में भी उसका नाम आ चुका है कि वह औरत कौन है तथा आपसे वह क्या चाहती है। पूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने अर्जी को लगाने के लिए बालाजी बागेश्वर धाम अवश्य लिखें। तो मित्रों, आप सभी को बता दें कि एक औरत है जो आपके जान से खिलवाड़ कर रही है। जी हाँ, यह स्त्री कई वर्षों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है, क्योंकि इसका मैं मकसद आपकी जिंदगी को बर्बाद करना है। दोस्तों, यह औरत ने आपके साथ कई बार ऐसे ऐसे दुर्घटना करने की सोच रखी है जिनसे आपकी पूरी जीवन नष्ट हो जा सकती है दोस्तों। लेकिन आपके ऊपर होने वाली यह दुर्घटना भगवान बचा लेते हैं। किंतु दोस्तों, यह औरत कोई साधारण नहीं है, बल्कि बहुत ही पराक्रमी है, जिनके वजह से आपको इस दुनिया से मिटाने की सोच रखती है। दोस्तों, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिरकार यह औरत है कौन और आपसे क्या चाहती है। लेकिन दोस्तों, यह औरत आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए कोई भी कदम उठा सकती है। इसलिए पिछले 10 वर्षों में से आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियों का कारण है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहता है, क्योंकि इसके पीछे यह औरत का हाथ है। आपके घर को यह जादू टोना करके बिगाड़ चुकी है, जिनके वजह से आपके घर में अनेक प्रकार की बीमारियाँ, आपके घर के बाल बच्चे हमेशा बीमारी से पीड़ित रहते हैं। जब तक आपकी एक परेशानियां खत्म नहीं होती है, तब तक दूसरी परेशानियां आ जाती हैं। ऐसे में दोस्तों, यह औरत आपके ऊपर जानबूझकर लग चुकी है, क्योंकि इन्होंने कई वर्षों से आपके घर में जादू टोना करने के उपरांत आपके घर में शांति को दूर करके रखी है। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर आपके घर आ जाती है और आपके बाल बच्चे तथा आपके सफल होने वाले कार्य को भी नष्ट कर देते हैं, क्योंकि आपके घर के कोने में जादू टोना करके आपके घर होने वाली सभी बातों का पता लगा लेती है। और उनके बाद से यह औरत आपके जीवन में विभिन्न विभिन्न परेशानियां, कठिनाइयां ला देती है, जिनके बाद से आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है, धीरे धीरे करके इतना ज्यादा समझ या कैसे हो रहा है। लेकिन दोस्तों, उनके पीछे वही एक औरत का हाथ है जो आपके साथ दूसरे व्यवहार कर रहा है, आपकी जिंदगी को मिटाने के लिए भी तैयार हो चुका है। दोस्तों, आपको इस दुनिया से मिटाने के लिए कोई भी कदम उठा सकती है, यहाँ तक कि अपनी जान की बाजी लगाकर आपको इस दुनिया से मिटाना चाहती है। दोस्तों, आप सभी के पास समय बहुत ही कम है, इसलिए आप सतर्क और सावधान हो जाओ, क्योंकि आपके पड़ोस की ही औरत है जो आपसे बहुत ही ज्यादा जलते हैं, क्योंकि आपकी तरक्की को देखकर जलने का कार्य करती है। वह औरत हमेशा आपको अपने से नीचे देखना चाहता है, अर्थात आपको कभी भी अमीर बनना देखना पसंद नहीं करती है। इसलिए दोस्तों, आपको किसी ना किसी तरह नीचे गिराना चाहती है। लेकिन आप सतर्क और सावधान हो जाओ, उसके बाद आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। वही आपके जीवन में होने वाले सभी कष्ट को दूर कर देंगे, तथा आपके जीवन काल में जो लोग भी जादू टोना कर रहे हैं, उनके जीवन भी समाप्त हो जाएगी। बस आप केवल समय का बेसब्री से इंतजार कीजिए, एक ना एक दिन आपके पक्ष में समय अवश्य आएगा, जिसके बाद से आपके दुश्मन आपके पैरों में गिरकर तलवे छूटेगी और माफी मांगने लगेगा। दोस्तों, यह औरत कोई साधारण और मामूली नहीं है, इसके नाम बालाजी के परिचय में आ चुका है। साफ साफ यह दर्शा रहा है कि यह औरत बिल्कुल आपके घर के सामने वाले हैं, क्योंकि दिन और रात आपके घर उठक बैठक करते हैं और आपसे मीठी मीठी बातें करती है, जिसके वजह से आपको यह समझ नहीं आता है कि यह कैसे हमारे साथ दुष्ट व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह स्त्री बहुत ही चालाक है, आपके साथ रहकर ही आपकी पीठ पीछे वार कर रही है, क्योंकि आपके परिवारों में जादू टोना कर दी है, जिनकी वजह से आपके घर में अनेकों प्रकार की बीमारियां, परेशानियां, कठिनाइयां आ रही हैं। आज से पहले आपके घर में कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होती थी, लेकिन यह स्त्री ने जब से आपके घर में जादू टोना की है, उनके बाद से आपके घर धीरे धीरे नष्ट होते चले जा रहे हैं।
क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके परिवार में रोज रोज कोई ना कोई परेशानियां आते रहता है जिनकी वजह से आपके घर सभी धन संपत्ति दूर चले जाएंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा विपत्ति और कठिनाइयां आती है उनके पास उतना ही धन कम जाती है। क्योंकि दोस्तों यह औरत का काम ही सिर्फ लोगों के जीवन से खेलना है, क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति के जीवन को बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों अगर आप इस औरत को पहचानना चाहते हैं कि कौन है और आपके साथ ऐसा क्यों कर रही है, तो मित्रों सबसे पहले आप जब आपके घर वह औरत आए तो आप उनसे मीठी मीठी बातें करके अपने ही जल में धीरे धीरे उन्हें फंसा ले, जिनमें बाद से वह धीरे धीरे करके सारी बातें आपको बताने लगेगी और आप उनके रहस्य को जान जाएंगे। दोस्तों अगर आप अकेले में हो तभी इस वीडियो को देखें, क्योंकि बार बार आपको ऐसा मौका नहीं मिलने वाला है। अगर आप अपने दुश्मन को पकड़ना चाहते हैं, तो इसे बेहतर उपाय आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता है। आज का दिन आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहे, आप अपनी वाणी व व्यवहार का नियंत्रण बनाए रखें। आपको किसी वाद विवाद से दूर रहने की आवश्यकता है। पारिवारिक जीवन में चल रही समस्याएं फिर से सिर उठा सकती हैं। जीवन साथी से रिश्ते में चल रही दूरियां समाप्त होगी, दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। आपको किसी काम को लेकर किसी विशेष व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा। आपके आसपास आपका ध्यान और समय बांटने वाली बहुत सी गतिविधियां चल रही हैं। छोटी मोटी बातों पर समय व्यर्थ ना करें, एकाग्र रहे, तभी आपको मुक्त ऊर्जा का प्रवाह अनुभव हो पाएगा। अगर आपको यह मिल गया तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। घबराएं नहीं, ध्यान से समझकर समय रहते अवसर का लाभ उठाएं। सफलता की कुंजी प्राथमिकताएं तय करने से मिलेगी। आपको इसे लेकर खुद के लिए सख्त नियम बनाने होंगे कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं। उस स्वास्थ्य के लिए लाभदायक चीजें ही चुनें, क्योंकि यही सर्वोत्तम विकल्प है। आपको पूरा आराम मिले इसके लिए आपको अपना दृष्टिकोण ठीक करना होगा। इससे आपके पास जीवन में अप्र रूप से होने वाली मुश्किल घटनाओं से जूझ पाने का हौसला मिलेगा। आप किसी अलग संस्कृति या किसी दूसरे देश के रहने वाले वाली के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। आप इस आदमी के लिए काफी उत्सुक और भावनात्मक अनुभव करेंगे। वर्टिकल बार, जब आप इस आदमी के साथ होंगे तो आपको बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वर्टिकल बार, अगर भगवान ने चाहा तो इस संबंध को जल्दी ही कोई ठोस रूप भी मिल सकता है। ऐसा लग रहा है कि अपने कार्यस्थल के लिए आपकी यात्रा की लागत में दिन बदन बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा ऑन फिस की राजनीति आपके खिलाफ काफी मजबूत है और आपके खिलाफ प्रयुक्त हो रही है, लेकिन आप हमेशा की तरह काम करना जारी रखें और आपको जल्दी ही पदोन्नति मिल सकती है। हालांकि समय कैसा भी हो, ईर्ष्या के कारण कार्यालय राजनीति चलती रहेगी। आपके अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे और आपके प्रमोशन के चांस है। आपकी सेहत की बात करें तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। संतान की सेहत के लिए भी आज आप चिंतित हो सकते हैं। आपकी संतान को पेट दर्द की शिकायत हो सकती है, उसे आप हल्के में ना ले तो अच्छा रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारियों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आज आप अपने पार्टनर के साथ में तालमेल बनकर चले, अन्यथा आपकी पार्टनरशिप टूट सकती है। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातक आज अपने किसी मित्र की सहायता कर सकते हैं तो आपको बहुत अधिक अच्छा लगेगा। आप अपना कोई भी कार्य शुरू करने से पहले अपने पिता का आशीर्वाद अवश्य लें। आपके सभी कार्य जल्दी से जल्दी पूरे होते चले जाएंगे। छात्रों की बात करें तो छात्र आज मस्ती के मूड में रहेंगे, वह बहुत अधिक मस्ती करना चाहेंगे। आप अपने खानपान पर नियंत्रण बरते, साथ ही कुंभ राशि के जातकों के लिए आज दिन सोच समझकर कामों को करने के लिए रहेगा। यदि आपने ना समझी से किसी काम में हाथ बढ़ाया तो इसमें आपको कोई भारी नुकसान होने की संभावना है। आपके परिवार में कोई सदस्य विवाह योग्य है तो आज उनकी जीवन साथी की तलाश खत्म होगी। आप यदि किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए सोच विचार कर रहे थे तो आप उसमें कुछ समय रुक जाएं।
तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपको सम्मिलित होने का मौका मिलेगा, जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। कुंभ राशि के लोग गंभीर प्रकृति के तथा स्थिर बुद्धि वाले होते हैं। कुंभ राशि के लोग आपके लक्ष्य के प्रति समर्पित, मेहनती तथा लगनशील प्रकृति के होते हैं। पुराने रीति रिवाज को मानने वाले होते हैं। स्वभाव से सहज प्रसन्न रहने वाले, स्वतंत्र, विद्रोही, भावुक, अनुशासन प्रिय, धैर्यवान, रचनात्मक, महत्वाकांक्षी, ईमानदार प्रकृति के होते हैं। कुंभ राशि के स्वामी ग्रह क्षण होते हैं। शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। शनि ग्रह कर्म प्रधान ग्रह माने गए हैं। शनि कर्म फल के प्रदायक ग्रह भी माने गए हैं। ऐसी स्थिति में कुंभ राशि के लोग कर्म पर ज्यादा विश्वास करते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं और कठिनाइयों को सहते हुए आगे बढ़ने का मार्ग निकाल ही लेते हैं। विश्वसनीय, धैर्यवान, सहिष्णु स्वरूप, ईमानदार, कर्तव्य परायण और महत्वाकांक्षी प्रकृति के होते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहते हैं तथा अलग पहचान स्थापित करते हैं। कुंभ राशि के लोग मेहनती, समर्पित तथा वफा प्रकृति के होते हैं। आत्मनिर्भर, उत्तम बौद्धिक क्षमता वाले, विचारवान, बुद्धिजीवी तथा सोच समझकर खर्च करने वाले होते हैं। संस्कृति, बौद्धिक, रचनात्मक गतिविधियों में इनका विशेष रुझान रहता है। तकनीकी तथा वित्तीय कार्यों में तीव्र होते हैं। आत्मनिर्भर बनने की सदैव कोशिश करते हैं। प्रकृति प्रेमी होते हैं। निडर प्रकृति के कारण अपने कार्यों को सहजता पूर्वक कर लेते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही गुण होता है। इनके बारे में शीघ्रता से कोई जान नहीं पाता है। गारंटी के साथ कहता हूँ कि मार्च महीने के बाद आपकी राशि में बहुत बड़ा उलट फेर आने वाला है। उनके बाद से आपकी किस्मत का डंका बजाने वाला है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगर आप अपनी जेब में वह चीज को लेकर चलते हैं तो आप जो भी सोचोगे वह सब सच हो जाएगा और आपके दुश्मनों ने आपके साथ जो चल चली है उनकी भनक आपको पहले से लग जाएगी, जिनके बाद दुश्मन आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा और आप डंक की चोट पर सारे कार्य को आसानी से कर पाएंगे। जी हाँ दोस्त, तो यह वस्तु स्वयं भगवान भोलेनाथ का वरदान है। अगर आप इन्हें अपने साथ लेकर चलते हैं तो आपकी जान भारी हो जाएगी, अर्थात आपके साथ एक ऐसी शक्ति जुड़ जाएगी जिनके बाद से आपके दुश्मन आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होने शुरू हो जाएगी जिनके बाद से आपके भाग्य का परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, वह वस्तु अपने साथ रखने की बात से आपके नसीब में पैसा, प्यार और इज्जत, सम्मान आपको सभी मिलना शुरू हो जाएगा। उनके साथ ही आपकी राशि में एक बड़ा उलट फिर आएगी जिनके बाद से आपके घर में धन दौलत, पैसा, बांग्ला, करर, गाड़ी आपको सभी मिलना शुरू हो जाएगी। जी धन संपत्ति को पाने के लिए आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वह सारी सपना आपका साकार हो जाएगा, क्योंकि यह मार्च महीने की अंत आते आते आपकी राशि में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ी परिवर्तन आने वाली है, जो परिवर्तन आपके जीवन को सवार कर रख देगी। वर्षों का सपना आपका पूरा हो जाएगा। जिस सपने को आप साकार करने के लिए दिन और रात एक जैसी कड़ी से कड़ी मेहनत करते थे, उनका फल आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि वह एक वस्तु को अपने जेब में अवश्य रखें जिनके बाद से आपकी सकारात्मक इतनी अधिक बढ़ जाएगी, उनकी बात से सभी कार्य को करने के लिए आप आसानी से तैयार हो जाएंगे और आपकी राशि में एक बहुत बड़ी परिवर्तन आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यह स्वस्थ अपने जेब में आप व्यम रखें, क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए आप इस सत्र को रखने के बाद आपकी ऊर्जा अधिक बलवान हो जाएगी। उनके उपरांत आपकी राशि में जो भी कार्य छूट गई थी तथा पुरानी अनुबंध आपका जुड़ जाएगा और बचे हुए सारी कार्य आपका आसानी से हो जाए, जिनके बाद से जो दुश्मन आपके प्रति विभिन्न प्रकार के छल चल रहे थे वह आपके साथ हमले करने में जानकारी हो जाएंगे और आपके चरणों में आकर खुद उन्हें गिरना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपके साथ वह भगवान भोलेनाथ का वरदान के रूपी एक रुद्राक्ष है, जिन्हें आप अपने साथ रखने के कारण आपकी राशि में एक
बहुत बड़ी परिवर्तन आएगी दोस्तों, पर रुद्राक्ष के रखने के बाद आपके सारे समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। उनके साथ साथ आपके राशि में धन दौलत की भंडार लग जाएगी। मानो तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी राशि में एक अचानक सी परिवर्तन आ चुकी है, जो आपके जीवन काल में बहुत ही खूबियां निभाएगी। उनके उपरांत आपकी किस्मत डंकी की चोट पर गरजेगी और चारों ओर गली मोहल्ले में आपका नाम की चर्चा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज तक ऐसी चमत्कार आप सभी के जीवन काल में नहीं हुई होगी, जो आपकी अब जाकर होने वाली है, क्योंकि वह शास्त्र स्वयं भगवान भोलेनाथ द्वारा रचित वरदान है। दोस्तों, आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आपकी राशि में जो बड़ी परिवर्तन आने वाली है दोस्तों, उनकी अंदाजा आपके दुश्मन भी लगा नहीं सकती है, क्योंकि समय अब परिवर्तन हो चुका है। जिनकी आप कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे, आपकी सारी सपना अब जाकर सरकार होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते तथा तरक्की हासिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आपकी राशि के महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को अवश्य देखें। दोस्तों, अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं, उनके बावजूद भी आपको मेहनत का फल नहीं मिलता है, किंतु आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धन वही रहता है जहां मेहनत की कड़ी कड़ी परिश्रम होती है। दोस्तों, इसका तात्पर्य यह हुआ कि पैसा धन दौलत उन्हीं के पास रहता है, हर नहीं मानता है, क्योंकि धन भी कहता है कि मैं उसी के पास जाऊंगा जो मेरी भावनाओं एवं मेरी इज्जत और कादर तथा सम्मान कर सके। इसलिए दोस्त, तो आप अपनी जीवन में मेहनत को कभी परिश्रम को कभी काम नहीं होने देना। उनके बाद स्वयं ऊपर वाले परमात्मा आपके लिए धुन के बड़े बड़े अंबार लगा देंगे। आपको ऐसा परिवर्तित होगा कि आपके घर में महाराज कुबेर आ गए हैं, जो आपके घर में धन दौलत की बरसात करवा देगा। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी दी गई सलाह लोगों के बहुत काम आएगी और अधिकारी भी उस पर अमल अवश्य करेंगे। आप अपनी सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर अच्छा खासा धन व्यय करेंगे, जिसके कारण बाद में आपको धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी बिजनेस की कुछ लंबे समय से रुकी हुई योजनाएं फिर से गति पकड़ सकती हैं, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। मिथुन राशि के जातक को आज का दिन मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। राजनीति में कार्यरत लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, और आप किसी को बिना मांगे सलाह देने से बचे नहीं तो बाद में आपको उसके लिए पछतावा होगा। संतान के करियर को लेकर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। यदि अपने शेयर मार्केट में निवेश करने का सोचा था, तो उसके लिए अभी आप कुछ समय रुके तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके कुछ विरोधी परेशान करने की कोशिश करेंगे। रक्तचाप के मरीजों को खास ख्याल रखने और दवा दारू करने की जरूरत है, साथ ही उन्हें कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखने की कोशिश भी करनी चाहिए। ऐसा करना आगे काफी लाभदायक सिद्ध होगा। माता या पिता की सेहत पर आपको आज बहुत धन खर्च करना पड़ सकता है, इससे आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी, लेकिन साथ ही रिश्तों में मजबूती आएगी। यह परिवार में दबदबा बनाए रखने की अपनी आदतों को छोड़ने का वक्त है। जिंदगी के उतार चढ़ाव में उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ आपका बदला हुआ बर्ताव उनके लिए खुशी का सबब साबित होगा। अपने प्रेम प्रसंग के बारे में इधर उधर ज्यादा बातें ना करें। आज आप नए विचारों से परिपूर्ण रहेंगे, और आप जिन कामों को करने के लिए चुनेंगे वे आपको उम्मीद से ज्यादा फायदा देंगे। बिन बुलाए किसी मेहमान की वजह से आपकी योजनाएं तो गड़बड़ा सकती हैं, लेकिन आपका दिन खुशनुमा हो जाएगा। आज का दिन थोड़ा उबाऊ सकता है, इसलिए कोई रचनात्मक कार्य करके दिन को रोचक बना सकते हैं। शारीरिक लाभ के लिए विशेष रूप से मानसिक मजबूती के लिए ध्यान और योग शुरू करें। आपकी आर्थिक स्थिति आज अनुकूल नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए आपको पैसे बचाने में कठिनाई होगी। निवास स्थान परिवर्तन ज्यादा शुभ रहेगा। प्यार आपको एक जगह पर खड़े होकर एक नई दुनिया में ले जा सकता है। यह वह दिन है जब आप रोमांटिक ट्रिप पर जाएंगे। अगर आप मानते हैं
कि समय ही धन है तो आपको अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुंचने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। मेष राशि के लोग साहसी, ऊर्जावान, दृढ़ निश्चय और अपनी जिंदगी में गतिशीलता को पसंद करते हैं। कार्य करने के प्रति इनका स्वभाव जिद्दी होता है। अपने लक्ष्य के प्रति समझौता करना पसंद नहीं होता है। हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल कर चुनौतियों का सामना करना इनको पसंद होता है। खेल कूद में रुचि लेते हैं। मेष राशि के स्वभाव में उग्रता तथा जिद्दी होने के कारण समझौता पसंद नहीं करते हैं। शीघ्र क्रोध करने के कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। अस्थिर राशि होने के कारण जीवन की स्थिरता में कमी होती है। थोड़े शक करने की प्रकृति के होने के कारण आत्म सुख और पारिवारिक सुख में कमी बनी रहती है। लंबे समय तक चलने वाले कार्य को पसंद नहीं होते हैं। मंगल प्रधान व्यक्तित्व होने के कारण है। सेना, पुलिस, प्रशासन, रक्षा व्यवस्था, खेलकूद से जो डरना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त जमीन, वाहन, इंजीनियरिंग, कला, शिक्षण, अस्त्र शस्त्र, सेल्स मैनेजर, आर्किटेक्ट तथा बिजली विभाग से जुड़कर कार्य करना अच्छा होता है। प्रकृति से चंचल होने के कारण व्यवसाय के मामले में थोड़े स्थिर होते हैं। आपके प्रियजन आज आपको आग रामक और आसन्न पाएंगे क्योंकि आप उनकी निर्णय लेने की शक्ति के ऊपर हावी होने की संभावना रखते हैं। अत्यंत सचेत रहे क्योंकि आक्रामक तरीके से चलना आपको मुश्किल में डाल सकता है। भावनात्मक आवेगों की गांठों को वापस खोलने के लिए अपने आप को कुछ स्थान और समय देने की कोशिश करें। यह एक स्पष्ट दृष्टि के साथ शुरू करने और अपने आप को नर्वस ब्रेकडाउन से रोकने का समय है। आपको अच्छी टीम के काम और कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए एक पूर्णता वादी के रूप में कार्य करना आवश्यक है। यह स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने और अपने काम में संतुष्टि प्राप्त करने का समय है। आप इधर उधर भागने के बजाय दो बार रुकने और सोचने के मूड में होंगे। भावनात्मक स्तर पर आप व्यक्तिगत समस्याओं के कारण खुद को डूबने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको समझ आएगा कि लोग अपने स्वयं के कार्यों में व्यस्त हैं और आपको अपने आप को पुनर्विचार करने के लिए एक व्यक्तिगत स्थान देने की आवश्यकता है। आपको अपने रिश्ते में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि आज आपके बहुत संवेदनशील होने की संभावना नहीं है। आप अपने लापरवाह रवैये के कारण खुद को परेशानी में डालेंगे। अति आत्मविश्वासी होना बंद करें और ऐसी चीजों में ना जाए जहां आत्माएं भी जाने से घबराती है। चीजों को सुचारू, सुखद और सामंजस्य पूर्ण रखने के लिए एकता और एकजुटता की तलाश करें क्योंकि यह दूसरों के साथ संबंधों में सुधार करेगा। व्यर्थ की बातों के लिए चिंतित होने से बचें क्योंकि सब कुछ केवल आपके विचारों में है लेकिन व्यवहारिकता में नहीं। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है और अपना वही है जो आपके साथ में है। आत्म सम्मान पर लगी ठेस इंसान को बदल कर रख देती है। आप जिसे जितनी शिद्दत से चाहोगे वही इंसान आपको उतनी ही गहरी चोट देगा। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हो। किसी के लिए इतना मत गिरो कि वह तुम्हें कुचल कर ही रख दे। सुख हमारी देह को छूते हैं और दुख हमारी आत्मा को छूते हैं। किसी के लिए उतना ही गिरना कि फिर संभलने की थोड़ी गुंजाइश बाकी रहे। मक्खन आदमी को नहीं उसकी कुर्सी को लगाया जाता है। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं वही लोग सबसे पहले धोखा दे जाते हैं। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं आता। जिंदगी बड़ी महंगी है साहब, इसे मतलबी और सस्ते लोगों पर कभी बर्बाद मत करना। कदर करना सीखो क्योंकि कोई बार बार नहीं आता। जिंदगी में खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आने का इंतजार करें ना कि जाने का इंतजार करें। हम बात करने को तरसे हैं, तुम आवाज सुनने को तरसोगे। गुरूर हो गया था हमको तुम्हारी मोहब्बत का, अच्छा हुआ तुम ही ने तोड़ दिया। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं।
जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा कभी नहीं मिलता। संघर्ष बयां करता है कि बंदे में कितना दम है। इंसान में इंसान वाली खूबियां ही तलाश करो, भगवान वाली नहीं। वक्त वो तराजू है जनाब, जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। वह जमाना अब नहीं रहा दोस्तों, जब लोगों को किसी से बिछड़ कर अफसोस होता था। ना समझ है, वह मेरी बात नहीं समझेगा, मेरी जगह नहीं है, इसलिए अभी मेरे हालात नहीं समझेगा। रोकर भी देख लिया उसके सामने, वह पत्थर दिल आंसू को भी पानी समझता है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है, उसूलों पर आँच आए तो टकराना भी जरूरी है। समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है, जब काटने की औकात ना हो तो भोकना भी नहीं चाहिए। आज का इंसान सच सब बातें दिल पर नहीं लेता और झूठी बातें दिमाग पर ले लेता है। बहुत याद आते हो तुम, दुआ करो कि मेरी याददाश्त ही चली जाए। तुम तरस जाओगे मेरे दीदार को भी, कुछ इस तरह हम तुम्हें बेगाना कर देंगे, शरीफ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।